लोड शेडिंग के अजाब से छुटकारे के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से रमजान और गर्मियों में सार्फीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फरहमी से मुतालिक मीडिया सेशन का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक में BQPS 3 के हवाले से मीडिया इंटरेक्टिव सेशन में इदारे की जानिब से इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस अलवी ने बताया कि BQPS 3 900 मेगावाट पावर प्लांट के पहले यूनिट के लिए गैस और स्टीम टर्बाइन जनरेटर हीट रिकवरी बॉयलर की बिन कासिम पावर कॉम्प्लेक्स पर तंसीब मुकम्मल कर ली गई है, जबकि RLNG की फरहमी के लिए गैस पाइपलाइन पर भी तरक्याती काम जारी है और 70% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुतालिका गैस पाइपलाइन की तंसीब के हवाले से आइंदा सालों में बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ रवां साल मौसम गर्मा तक 450 मेगावाट का पहला यूनिट जबकि दूसरा यूनिट साल के आखिर तक फाल हो जाएगा। अंदाजा ये कि अगले साल से डेढ़ साल में हम 100 से 150 फीडर और डालेंगे, तो अगर हम 2000 फीडर की कंपनी हो जाते हैं इस साल के एंड तक और 3 मेगावाट, तो 6000 मेगावाट तो आप इसमें से गुजार सकते हैं। हम अभी भी बहुत अगर पीक देखेंगे तो शायद 4000 मेगावाट देखेंगे। के इलेक्ट्रिक की चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर सादिया दादा ने रमजान के हवाले से बताया, ईद हॉलीडेज के दौरान तमाम रेजिडेंशियल और कमर्शियल फीडर्स के ऊपर लोड शेड नहीं किया जाएगा, उनको लोड शेड से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इस सेशन में CEO मोनिस अलवी और CMCO सादिया दादा के अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गाजियानी, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर आमिर जिया और चीफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन अब्बास हुसैन भी मौजूद थे।